कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद में रेंजर के हाथों तीन शहरियों की शहादत को रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए ये ऐलान करती है कि शहर के शहीद किए गए शहरियों का कसास अदा किया जाए। कमेटी शोदा को शोदाए तहरीक अवामी हकूक से याद रखेगी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के गयूर और बाशूर शहरियों की तरफ से और अमन और तारीख साज तहरीक चलाने और कामयाब व तारीख साज लॉन्ग मार्च करने पर मुबारकबाद पेश करती है। पुरमन अवामी लॉन्ग मार्च के नतीजे में हकूमत की तरफ से आटा की कीमतों में 1100 रुपये फी मन कमी और बिजली बिलाद में पैदावारी लागत पर सस्ती बिजली का हसूल और हुक्मरान अशराफिया की मराद के हवाले से जुडिशल कमीशन के क्याम पर नोटिफिकेशन हासिल करने पर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कश्मीरी कौम की लाजवाब जदोजहद और तारीख साज कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करती है। दौरान तहरीक तमाम मुकदमात ख़त्म और गिरफ्तार शुदगान को रहा कर दिया जाएगा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत को मतनबे करती है कि डोडियाल, इस्लामगढ़, रोइया, सेंसा, रैया कोटली, नकियाल, मुजफ्फराबाद, जजाई में पुरमन मुजाहरीन पर पुलिस गर्दी और रियासती दहशतगर्दी पर जुडिशल इंक्वायरी अमल में लाई जाए और जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर जारी लॉकडाउन पैयाजाम ख़त्म किया जाता है। आज दिन 3 बजे तक रियासत भर में शुदाय अवामी हकूक के सोग में शटर डाउन रहेगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।